डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ लाइटवेट एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलेंडर से बना हुआ ऑक्सीकिट के बारे में। ये ऑक्सीकिट को कैसे यूज किया जाता है, उसको कैसे अटैच करना है, कैसे डीअटैच करना है, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऑक्सीकिट है वो वजन में हल्की है और पोर्टेबल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड भी है। ऑक्सीकिट है वो अलग अलग पार्ट्स में आपके पास में आता है, जिसके अंदर ये लाइटवेट एल्यूमिनियम से बना हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके साथ ऊपर ये वाल लगाया हुआ रहता है, उसके साथ में हम आपको रेगुलेटर और नेबुलाइजिंग मास्क देते हैं और कैरी बैकपैक देते हैं। ये जो सिलेंडर्स है वो अलग अलग छोटी बड़ी साइज में उपलब्ध है, हर एक साइज के साथ में अलग अलग गैस कैपेसिटी जुड़ी रहती है और आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो पूरा ऑक्सीकिट है उसको कैसे अटैच किया जाता है। ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर वाल ऑलरेडी हमने अटैच करके दिया है, इसको नहीं हिलाना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। उसके साथ में ये रेगुलेटर है, ये बुलनोज टाइप का रेगुलेटर है और इसको कैसे लगाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो नोज है उसके अंदर इसको बुल को आपको अटैच करना है। इसके लिए आपको ये करना है कि इसके जो इसको उसके थ्रेड के साथ में मैच कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमाइए। ये जो आपको घुमाना है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और हल्का सा ताकत देके उसको लॉक कर दीजिए। इसके साथ में हम आपको नेबुलाइजिंग मास्क देते हैं। ये मास्क को लगाना होता है, सबसे पहले मास्क को खोलिए। ये जो ट्यूब है उसके दो छेड़े हैं, उसका एक जो छेड़ा है उसको आपको लगाना है ये सिलेंडर के अंदर रेगुलेटर का जो आउटलेट है उसके ऊपर। उसके बाद में उसका जो दूसरा छेड़ा है उसको आपको लगाना है यहाँ पे ग्रीन जो है उसके पीछे जो रहता है उसके अंदर। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भरिए, ये जो व्हाइट ढक्कन है उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद में ये जो माउथ पीस है उसके अंदर इसको फिट करना है। तो आपकी ये असेंबली तैयार हो गई, अभी आप ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है। अभी जब आप ऑक्सीजन लेना शुरू करना चाहते हैं तभी सबसे पहले आप देखिए तो ये डायल फार्म जो है वो डायल फार्म के अंदर एक है ग्रीन जोन और एक है रेड जोन। तो जब भी ये ग्रीन जोन के ऊपर रहता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर फुल भरा हुआ है और रेड जोन के ऊपर काटा रहे जब भी रहता है तभी उसका वाल्व बंद है। जब आप ये व्हील को थोड़ा सा खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायल फार्म है उसके ऊपर इंडिकेटर फुल के ऊपर आ गया। इसके साथ में ये बाजू में एक ब्लैक नॉब है, ये नॉब है उसको आपको आहिस्ता से घुमाना है। ये फ्लो रेट के हिसाब से 0 से लेकर 15 LPM तक जो आपको चाहिए वो फ्लो रेट सेट कर सकते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। और मास्क को पहनना है, ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू है और ऑक्सीजन आ रहा है। ये नेबुलाइजिंग मास्क है तो इसमें ह्यूमिडिफायर बोतल की जरूरत नहीं होती है और आप ये जो मास्क है उसके थ्रू ही आप सीधा ऑक्सीजन ले सकते हैं। जब आपका ऑक्सीजन लेने का काम समाप्त हो जाता है तभी सबसे पहले आपको ये करना है कि ये जो वाल है उसको बंद करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ सेकंड्स के लिए इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह चालू रहेगा। ये जो पूरी असेंबली है उसके अंदर से जब भी ऑक्सीजन का प्रवाह समाप्त हो जाता है तभी उसके अंदर के अंदर का जो ऑक्सीजन का बुड़बुड़े है वो अपने आप शांत हो जाएंगे। उसके बाद में आप ये कीजिए, ये जो इंडिकेटर है उसको वापस से 0 के ऊपर लेके आइए। जब आपका ऑक्सीजन लेने का काम समाप्त हो जाता है तभी आप शांति से आहिस्ता से ये जो पूरा असेंबली है उसको कहीं एक जगह पे के ऊपर सुरक्षित जगह के ऊपर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही वजन उठाने में बहुत ही आसान है और इसके साथ में हमने आपको ये बैग दिया हुआ है तो ये पूरा जो असेंबली है उसको आसानी से आप ये बैग के अंदर रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो किट है उसको आसानी से आप अपने कंधे के ऊपर रख सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। जब अंदर इसके अंदर का ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसका जो नीडल है वो यहाँ पे रेड जोन के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर का
ऑक्सीजन खलास हो गया है और अभी आपको उसको ऑथोराइज गैस मैन्युफैक्चरर के पास रीफिलिंग के लिए भेजना है। ये जो काम है ऑथोराइज गैस मैन्युफैक्चरर भी करते हैं या तो आपके नज़दीक का कोई डीलर भी कर सकता है, तो वो जो भी डीलर है उसको आप कॉन्टेक्ट कीजिए और उसको ये सिलेंडर दे दीजिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको डी अटैच कैसे किया जाता है। तभी आपको इसको रिफिलिंग के लिए देना है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि ये जो है व्हील उसको एंटी क्लॉकवाइज आहिस्ता आहिस्ता घुमाइए। तो अभी आप देखेंगे कि ये अलग हो गया। अभी ये जो है उसको आप अपने पास सुरक्षित रखिए और ये जो है सिलेंडर उसको अपने गैस मैन्युफैक्चरर को दे दीजिए, वो रिफिल करके देगा। ये जो ऑक्सीकिट है वो डायरेक्ट आप हमारे ऊपर दिए गए हुए नंबर के ऊपर से भी खरीद कर सकते हैं, या तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन में भी आप ले सकते हैं। उसके लिए उसके सर्च इंजन के अंदर जाके आपको ऑक्सीकिट ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप करना है, तो हमारा पूरा प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगा जिसके अंदर आपका मनचाहा हुआ मॉडल को सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट कीजिए, तो हम आपको डिलीवरी करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमोंस्ट्रेशन।